खड़ा हूं ये मेट्रो की पार्किंग है। जब पब्लिक का सैलाब होता है, पब्लिक उमड़ती है, तो भारत की राजधानी जिसको दिल कहा जाता है, आज समस्त रोड़ों की हालत इन शिक्षा मित्रों ने ऐसी कर दी है कि पूरे जाम दिखाई दे रहे हैं। और जो 1,72,000 शिक्षा मित्र अपनी मांगों को लेकर यहाँ जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आइए हम उनसे जानकारी लेते हैं कि उनकी क्या मांग है, किन मांगों को लेकर जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, आपका नाम? पवन उपाध्याय। बताइए। उपाध्याय जी, ये जो इतना बड़ा सैलाब है, इतना बड़ा जन समूह है, और राजघाट, विजय घाट या जो जितने भी देखने वाले स्थान है, यहाँ समस्त जगह आपके लोग हैं, तो सर आपकी क्या मांग है, किन मांगों को लेकर आए हैं आप? देखिए, हमारी एक मांग, तब से एक जो प्रत्यावेदन दिया है सरकार को, अब तक जो 4-5 वार्ताएं प्रमुख सचिव स्तर से हुई थी, उसके बाद 2 वार्ता हमारे प्रतिनिधिमंडल की मुख्यमंत्री स्तर पे हुई थी, उसके बाद जो प्रत्यावेदन दिया गया है उसमें यही कहा गया है कि हमें हमारा जो सम्मानित हक है, हमारा जो वाजिब हक है, वो हमें मिले। हमारे 17 वर्षों की जो कठिन तपस्या है, जो हमारे कुछ साथियों ने, चलिए मैं अभी कंपटीशन फेस कर सकता हूँ, लेकिन हमारे कुछ ऐसे साथी हैं जो उम्र के पड़ाव पर हैं, जो कि 50 वर्ष अपने उम्र के पड़ाव बीत चुके हैं उनके। अब आप बताइए, ऐसे साथी हमारे क्या अभी वर्तमान कंपटीशन को फेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब अगर इसी तरह से आज के युग में हम ये कहें कि किसी IAS से, जो कि आज से 10 साल पहले या 15 वर्ष पहले IAS का एग्जाम क्रैक कर चुका है, उससे अगर आज ये कहा जाए कि आप अगर आइए और वर्तमान परिवेश में IAS का पुनः परीक्षा दीजिए और इम्तहान दे के आइए, तो क्या वो IAS बन सकते हैं? हमें जब नियुक्त किया गया था 1999 में पूर्व सरकार कल्याण समिति थी, और उन लोगों ने एक नियुक्ति का जो वो रखा था, नियुक्ति प्रदाता जो था, उसमें मेरिट के आधार पर किया गया था नियुक्ति। हमारे जो साथी हैं 50-50 फॉर्म हर ग्राम मतलब न्याय पंचायत स्तर से जाते थे, उसमें जो टॉप ब्रिलियंट कैंडिडेट होता था उस समय का, वह शिक्षा मित्र बनता था मेरिट के अनुसार। अब हमको आज अयोग्य कहा जा रहा है, हम 2250 से लेकर 3500 तक पढ़ाते थे, तब हम योग्य थे, और आज हमें मेहनत का हमें असली हक मिलने लगा, तो हम आज अयोग्य हो गए। अभी उपाध्याय जी ने बताया कि जो हमें असली हक मिलने लगा तो आज हम अयोग्य हो गए। सर, शिक्षा मित्र और सहायक अध्यापक में क्या अंतर है, किस इस अंतर को सरकार क्या देना चाहती है और क्या समझाना चाहती है? सच्ची बात नहीं, देखिए, अंतर की बात आप जो कहना चाह रहे हैं, अंतर सहायक अध्यापक और शिक्षा मित्र में अगर देखा जाए क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन डिफरेंस अगर देखना चाहते हैं, तब तो थोड़ा आपको देखने को मिलता है, लेकिन जो काम हम कर रहे हैं वही काम वो कर रहे हैं। आज मान लीजिए हम TET पास नहीं हैं, और TET को हम फेस करेंगे, हम क्वालिफाई करेंगे उसको हमें समय देना चाहिए, और उस समय तक हमारे पद को बना रहना देना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे जो हैं उनकी फीस भी जमा हो सके, वो पल सके, सही से काम कर सके। इस विषम परिस्थिति में इस तरह ऐसे लाके रख दिया, ₹10,000 इज नॉट सफिशियंट फॉर अस। तो सर, हम लोगों के यदि सरकार चाहे तो इसको एक सम्मान सहित हमें हमारा हक भी दे सकती है, हमें हमारा रोजगार भी दे सकती है, ये सब डिपेंड करता है गवर्नमेंट से।